गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह एक पेज को इंटरैक्टिव बना सकते हैं, यानी कि किस तरह यूज़र इंटरैक्ट कर सकते हैं हमारे पेज के साथ। और हम लोग ये करेंगे अलर्ट प्रॉम्प्ट और कन्फर्म की मदद से। और ये जावास्क्रिप्ट में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया गाइज, तो जल्दी से इसको भी एक्सेस कर लेना, क्योंकि यहीं पर मैं सारे वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। अब मैं आऊँगा यहाँ पर tut54.js नाम की एक फाइल बनाऊँगा, सॉरी tut54.html की बनानी है फाइल। तो मैं इसी में जो है अपनी js को इम्पलीमेंट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंटरैक्शन यूजिंग अलर्ट कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर बहुत जल्दी इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर मैं लगा दूंगा स्क्रिप्ट टैग, ताकि मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट अपनी लिख पाऊँ। और यहाँ पर सिंपल सा एक डेव डॉट कंटेनर लगा देता हूँ, इसके अंदर लिख देता हूँ दिस इज़ अ पेज, सेव किया इसको, गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और मेरा जो लाइव है वो खुल जाएगा ये पेज। लेकिन अभी मुझे ज़रूरत है इंस्पेक्ट करने की एलिमेंट को। और यहाँ पर देखो जो भी चीज़ मैं लिखने वाला हूँ वो आने वाला है, ठीक है। तो मैं जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पर आप लोगों को अलर्ट के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जूम करता हूँ इसको और कुछ इस तरह करके अलर्ट के बारे में बताता हूँ। अलर्ट इन इन ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं भी क्या करूँगा, सिंपली अलर्ट को यूज़ करूँगा। और अलर्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्या है। अलर्ट एक फंक्शन है जिसके अंदर आप एक मैसेज स्ट्रिंग डालते हैं जो कि पॉपअप होती है आपके पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ अलर्ट और उसके बाद लिख दूँ दिस इज़ अ मैसेज और इसको मैं सेव करूँ यहाँ पर, तो ये देखो दिस इज़ अ मैसेज आ गया। ओके किया मैंने, मैं वापस से रिलोड करूँगा इसको, देखो दिस इज़ अ मैसेज आ गया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो आपके यूज़र से कुछ कहे, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। आप दिस इज़ अ मैसेज लिखकर इस तरह से ऐसा कर सकते हैं और आपको जो है अलर्ट देखने को मिलेगा। ये था हमारा अलर्ट, जो लेता है एज एन आर्ग्यूमेंट एक स्ट्रिंग। और जैसे ही आप उसको एक स्ट्रिंग देते हैं वो क्या करता है, वो एक छोटी सी विंडो खोलता है जिसको हम मोडाल विंडो भी बोलते हैं। और मोडाल का मतलब ये होता है कि जब तक ये बंद नहीं होगी तब तक ये पेज के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है जिसमें मोडाल होता है। अगर आपने सुना है इसके बारे में तो आपको मैं बता दूं मोडाल का क्या मतलब होता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो मोडाल है उसका मतलब होता है कि पहले इससे निपट लो, पेज जो है बाद में देखना। ओके पे क्लिक कर दिया और यहाँ पर देखो दिस इज़ अ पेज लिख कर आ रहा है। तो ये था अलर्ट, एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन। और अगर लेकिन अलर्ट जो है कुछ रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि नहीं कर सकता रिटर्न। ओके ही करना पड़ेगा आपको, कुछ भी कर लो आप, यहाँ क्लिक करोगे कुछ नहीं कर सकते, आपको ओके करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ लेट ए इज इक्वल टू अलर्ट और ये, और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए कर दूँ, तो यहाँ पर देखो ओके किया तो अनडिफाइंड ये रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको यही बताना चाहता था कि ये रिटर्न वैल्यू इसकी अनडिफाइंड होती है, यानी कि कुछ रिटर्न नहीं करता है। अब कभी कभी होता है कि आप यूज़र से पूछना चाहते हैं और आप लोग यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं। और जब आप यूज़र को प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं यूज़र से, तब आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ आपको जिस तरह से लिख सकते हैं। लेट, और मैं इसको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ कि यहाँ पर देखो ये रो रहा है, मेरा ब्राउज़र कह रहा है कि ये क्या कर दिया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट, और मैं यहाँ पर मान लो पूछना चाहता हूँ किसी यूज़र से कि उसका नेम क्या है, ठीक है। मान लो हम एक गेमिंग वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पर हम लोगों से उनका नाम पूछते हैं जब भी वो आते हैं वेबसाइट में गेम खेलने और वो सर्वर को ज्वाइन करते हैं। तो मैं पूछ रहा हूँ लेट नेम इज़ इक्वल टू, तब मैं प्रॉम्प्ट करके पूछूंगा और मैं बोलूँगा व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। मैंने बोल दिया व्हाट इज़ योर नेम, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला आर्ग्यूमेंट है मैसेज, जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, और दूसरा आप देते हो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो कि आपका ऑलरेडी रहेगा वहाँ पर। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से, और जो भी आपका ये प्रॉम्प्ट आया अभी, देखो ये प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से आ गया व्हाट इज़ योर नेम। मान लो मैं लिखता हूँ हैरी, ठीक है, ओके करता हूँ, तो क्या होगा, ओके जैसे ही मैं करूँगा इस नेम वेरिएबल के अंदर मेरा जो ये भी जो भी चीज़ टाइप की है मैंने वो आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, और जैसे ही मैं ये करूँगा देखो यहाँ पर मान लो मैंने लिखा हैरी, तो ये देखो यहाँ पर मेरा हैरी आ गया, यानी कि अपने वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा लिया जो भी यूज़र ने
इनपुट दिया वो। तो इस तरह से हम लोग जो है ये प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अलर्ट तब दो यूज़र को जब आपको सिर्फ बताना है यूज़र को कि भाई ऐसा हो गया है और उसको बस ओके करना है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। जैसे कि आप उसको बता सकते हो कि अभी जो है आपका जो ख़रीदा है आपने सब्सक्रिप्शन वो एक्सपायर होने वाला है, आप प्लीज़ पैसे पे कर देना। ओके कर देगा यूज़र, बोलेगा ठीक है चलो थैंक्स फॉर द रिमाइंडर ऐसे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट आउट कर दूँगा और हम लोग देखेंगे कन्फर्म को। लेकिन कन्फर्म को देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ यहाँ पर, कि अगर मैं ये ना भी दूँ ना, ये ना भी दूँ तब भी क्या होगा, मैं इसको वापस से रिलोड करता हूँ, तभी ये ब्लैंक यहाँ पर आ जाएगा। और मैं यहाँ पर अगर देव लिख दूँ तो देव आ गया यहाँ पर, और मैं यहाँ पर क्वेश्चन ना लिखूँ तो डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा मेरा, कुछ नहीं आएगा जो कि ब्लैंक है। और मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है उसमें आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आप डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं तो कुछ एक ब्लैंक तो कम से कम ज़रूर सप्लाई कर दो, ताकि आपका जो है सारे ब्राउज़र सपोर्ट करें आपकी ऐप को। तो मान लो मैं यहाँ पर ठाकुर लिखता हूँ और यहाँ पर देखो ठाकुर लिखकर आ गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर वापस से गेस्ट कर देता हूँ इसको, क्योंकि गेस्ट एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप लोग चाहते हैं कि यूज़र्स आएँ वेबसाइट पर और कुछ इनपुट करके जाएँ तो आप यहाँ पर गेस्ट जो है लिख सकते हैं। ये था हमारा प्रॉम्प्ट, अलर्ट हमने देख लिया, अब हम कन्फर्म देखेंगे। और कन्फर्म जो है तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप मान लो एक फ़ाइल को डिलीट कर रहे हो, या फिर मान लो आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको यूज़र को एक बार वार्निंग देनी पड़े कि यार देखो भाई आप ऐसा करने जा रहे हो, ओके या कैंसिल, तो डबल चेक करने के लिए हम कन्फर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि नाम ही इसका बताता है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट डिलीट, या फिर मान लो डिलीट पोस्ट इज इक्वल टू कन्फर्म, और उसके बाद पहला जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो है मैसेज, डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस पोस्ट, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस पोस्ट के बाद मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, सामी कोलन लगाता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देता हूँ ताकि अच्छा लगे। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग डिलीट पोस्ट, ठीक है, और देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो इसको ज़रा कैंसिल करता हूँ, मैं भी इसको वापस से रिलोड करता हूँ। ये कह रहा है डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस पोस्ट, अगर मैं ओके करूँगा तो ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैं कैंसिल करूँगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। यानी कि एक बार मैं यूज़र से अगर डबल चेक करता हूँ उस बात को तो क्या होगा, उसी हिसाब से मेरा जो आउटपुट है वो आएगा। अब जैसे मान लो मैं लिखूँ इफ डिलीट पोस्ट कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ पर लिखूँगा has been deleted successfully, ठीक है। else मैं यहाँ पर लिखूँगा else, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ your post has not been deleted, ठीक है। तो मैं कुछ इस तरह से करूँगा, तो मैं एक डबल चेक मार सकता हूँ और मैं यहाँ से इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको ऊपर भी रख देता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि क्या आ रहा है, कभी कभी डीबगिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो कि डिलीट पोस्ट में क्या आ रहा है, इसको प्रिंट करा कर देख लो शायद आप। तो यहाँ पर अभी जल्दी से इसको कैंसिल करके फिर से रिलोड करता हूँ। देखो कह रहा है डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस पोस्ट, अगर मैं ओके करूँगा तो ये कोड एग्जीक्यूट हो गया जो कि मेरे इफ के अंदर था। तो यहाँ पर आइडियली क्या रहेगा, आपका कोड रहेगा कोड टू डिलीट द पोस्ट, और उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा कोड टू आपका कैंसिल डिलीशन ऑफ द पोस्ट, यानी कि अगर आपका पोस्ट डिलीट होने वाला है तो वो अब डिलीट नहीं होगा, उसको आपने कैंसिल कर दिया। तो मैं ज़रा इसको जल्दी से फिर से रिलोड करता हूँ और यहाँ पर देखो डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस पोस्ट, ओके किया तो योर पोस्ट हैज़ बिन डिलीटेड सक्सेसफुली, और कैंसिल किया तो योर पोस्ट हैज़ नॉट बिन डिलीटेड। तो एक बार डबल चेक अगर आप मानना चाहते हो, यूज़र को बोलना चाहते हो कि भाई ऐसा करना है या नहीं करना है, तो आप लोग जो है इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला हमने देखा अलर्ट, उसके बाद हमने देखा क्या, उसके बाद हमने देखा प्रॉम्प्ट, R-O-M-P-T इन JS लिखता हूँ सिर्फ, और उसके बाद हमने देखा कन्फर्म, लिख देता हूँ यहाँ पर कन्फर्म इन JS। यहाँ पर मैंने लिखा डिलीट पोस्ट इज इक्वल टू कन्फर्म डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट दिस पोस्ट, और यहाँ पर
रिलोड किया, ओके किया, योर पोस्ट हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आप लोगों को एक बहुत ही क्विक क्विज देना चाहता हूँ, चाहता हूँ कि सब लोग नीचे कमेंट में उसका जवाब मुझे दें। और वो जो क्विक क्विज है जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो है कि आप लोगों को एक सिंपल से एक विंडो बनानी है और यूज़र की एज पूछनी है, सॉरी विंडो नहीं बनानी है आपको, इन तीनों में से जो भी यूज़ करना है वो बनाना है, मैं नहीं बताऊँगा क्या यूज़ करना है। आपको यूज़र से उसकी एज पूछनी है, और अगर वो 18 साल से कम है तब आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन वो 18 साल से ज़्यादा है तो आप प्रिंट करेंगे यू आर अलाउड इनसाइड द क्लब। इस तरह का आपको एक पोस्ट बनाना है, पेज बनाना है, और मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे कमेंट करें, और मैं चाहता हूँ सब लोग करें, और मुझे पता चलेगा इससे कि कितने लोग कंप्लीट वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं सही से। तो मैं चाहता हूँ कि अभी के अभी सब चैलेंज एक्सेप्टेड तो लिख ही दो कमेंट सेक्शन में। अगर आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ इस चैनल पर तो आप लोगों को मालूम होगा कि हम ऐसा बहुत करते हैं कोर्सेज में, और मेरे हिसाब से ये इंटरेक्शन और उसी के साथ साथ आपको एक प्रैक्टिस का मौका भी देता है। तो आप जल्दी से नीचे कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दो, और फिर उसके बाद जब भी टाइम आपको मिलेगा तो आप लोग सॉल्व करके सॉल्यूशन भी डाल देना, और मैं वेट करूंगा आप लोगों के सॉल्यूशन का। सो गाइस, अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं करी है वेब डेवलपमेंट की, तो उसको काइंडली एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके इसको सेव करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो, तो काइंडली वीडियो भी लाइक कर दें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।